जहां तक कर्जे की बात है, देखिए कर्जा जो डिपेंड करता है उसको आप अमाउंट पे ना लेंगे, पहले कर्जा कितना था अब कर्जा कितना, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा तो कर्जा भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं आज 10 लाख रुपए का बिजनेस करता हूँ और मेरे पास कर्जा मान लीजिए 2 लाख का है, मेरा बिजनेस 10 लाख का है, और अगर कल मेरा बिजनेस 20 लाख का है और कर्जा मेरा 4 लाख का होता है, तो ये कर्जा बढ़िया नहीं है क्योंकि मेरा काम भी तो बढ़िया ना जी। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब हरियाणा का बजट 60 या 62 हज़ार करोड़ था, अब पिछला बजट जो था वो 1,52,000 करोड़ का है, स्वाभाविक ही है कि आमदनी भी बढ़ रही। अगर आमदन बढ़ती हो, कर्जे से आमदन बढ़ती हो, चाहे व्यक्ति है चाहे प्रदेश है, तो दोनों को लाभ है। और अगर आमदन आपकी नहीं बढ़ती, कर्जा आप लेने लग रहे, फिर चाहे व्यक्ति है चाहे प्रदेश है, दोनों को नुकसान है। तो हमारे कार्यकाल में अगर कर्जा बढ़ा है तो कर्जे के साथ आमदन बढ़ी है, वो लगभग दुगुणे से भी 2.5 गुना बजट हमने 7 साल में कर दिया, तो वो बजट भी हमारा बढ़ा है। जिसमें ये हमने नियम बनाया, कानून बनाया हमने ये, तो उसमें भी हमने बातचीत की थी, और बाद में जब हमने ये कहा था कि 50,000 तक की जो नौकरी है उन पर नियम लागू होगा, उसके बाद भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की थी, और उन्होंने कहा कि अभी 50,000 ज़्यादा हैं और आप इसको 30,000 तक रखें, तो हमने उनका सुझाव मानते हैं इसमें 30,000 तक ही की जो नौकरियाँ हैं उनकी इस प्रकार का रखा है, 75% जो है वो हैं वो हरियाणा के लोगों को रोज़गार देंगे, और उसमें इस प्रकार की हमने छूट रखी है, अगर मान लीजिए कहीं इस प्रकार के लोग नहीं मिलते, मजबूरी है, तो रख सकते हैं और हम ट्रेंड करेंगे, हम बिल्कुल उनको जो स्किल हैं लोग तो वो उसमें परफेक्ट भी करेंगे और अच्छे लोग देंगे उनको, ऐसी बात नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब जब काम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे भी, अब अलग अलग उद्योग अलग अलग टाइप की डिमांड करेंगे, उस प्रकार के लोग तैयार करेंगे, उसी प्रकार के लोग देंगे। हरियाणा इस मामले में काफ़ी तेज गति से काम कर रहे हैं। टीचर के पद खाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे सहमत हूँ, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों के पद खाली हैं, हमारा प्रयास है। कोरोना काल में काफ़ी स्थिति खराब रही स्कूलों की, और मैं समझता हूँ अगर सब सेवा कोई प्रभावित आया तो स्कूल ही प्रभावित हुए, तो अब हमारा विचार है और उस पर हम जल्दी निर्णय लेंगे। इसमें सर जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस भी लॉस हुआ, स्कूल का भी लॉस हुआ, बच्चों का भी, कुछ स्पेशल योजना या स्कीम लाई जाएगी सर? नहीं, किस प्रकार की? जैसे कोरोना में जो स्कूल थे वो भी फाइनेंशियली भी डाउन गए, बच्चों के पढ़ाई, प्राइवेट स्कूल को जो नुकसान हुआ उसमें हमने कुछ रियायतें उनको दी, चाहे बिजली के बिल की बात थी या ट्रांसपोर्ट की बात थी, इनके टैक्स माफ करने की बात थी, उसमें हमने कुछ रियायतें उनको दी हैं। जो करप्शन पिछले कार्यकाल में थी, आपको पता था कि पिछले कार्यकाल में जो CLU थी वो एक उद्योग बढ़ गया था, कि जिस प्रकार से करप्शन थी, आज आपको कहीं भी वो CLU जैसी बात कहीं सुनने को नहीं मिली होगी, कहीं किसानों को डराने की बात नहीं सुनी होगी कि उनकी ज़मीन इक्वायर कर ली, बाद में छोड़ दी, जब अपने लोग गए उन्होंने खरीद ली और फिर उसको छोड़ दिया, उस पर तो कोर्ट की भी टिप्पणी है, कोई मेरी टिप्पणी नहीं, कोर्ट की भी उसके ऊपर टिप्पणी है कि ये नियम के अनुसार गलत था जो सरकार ने किया, वो गैर जिम्मेदारों में व्यवहार था, लेकिन हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, एक भी घटना अभी तक ऐसी नहीं हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।